ध्रुव है क्या? 45 डेज में अभी 5 दिन बाकी थे, तो मैं कस्टमर का कपड़े लेके मैं बिल करवाने जा रहा था और मेरे दोनों भाई मुझे लेने आए। मैं तो पूरा शौक हो गया और मैंने कपड़े छोड़ दिए और मैं उसको चिपक लिया उनको। मैं बहुत इमोशनल हो गया था उनको देख के। सालों से ये हमारे फैमिली में एक बोले तो ट्रेडिशन जैसा है कि मेरे अंकल, मेरे बड़े भाइयों, ये सबने किया हुआ है। सो पहले से ही मेरा एक माइंडसेट था कि ये करना है। अंकल और भाई दोनों मीटिंग रूम में बैठे थे और मुझे बुलाया, और कुछ समय बाद दादाजी आए तो बोले कि आपको ऐसे एक्सपीरियंस करने जाना है। सो आई वॉज ऑलरेडी रेडी, आई टोल्ड यस। और रूल्स आर कि आपको 40 डेज के लिए रहना है विथ 5,000 रुपीज़। लोकेशन नहीं बताया था, यू जस्ट हैव टू गो समवेयर। वो स्टेशन जाने के बाद लोकेशन मिलता है, उधर आपको जॉब करनी है। एवरी वीक आपको जॉब चेंज करनी है, यू कैन नॉट रिपीट द सेम जॉब। और फ़ोन ले लिया, मेरा आईफोन जो हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं वो ले लिया, और 1500 रुपये का वो नोकिया का फ़ोन आता ना वो हाथ में दे दिया। रूल्स में ये भी आते हैं कि आप 1 महीने तक फैमिली के साथ बात नहीं कर सकते हो। डेली रात को भाई और या तो अंकल दोनों में से एक को अपडेट कर देने का कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं सेफ हूँ, मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, दैट्स इट। और कोई बात आप नहीं कर सकते हो। सुबह मेरा 12 बजे का ट्रेन था, मैं सामान लेके निकल पड़ा और पूरा सब हेयर सब छोटे छोटे करके पूरा आइडेंटिटी चेंज, ध्रुव ढोलकिया बन के नहीं, ध्रुव पटेल बन के उधर जाना था। उधर जाके भी किसी को बताना नहीं है कि मैं कौन हूँ। टिकट हाथ में दिया तो उधर देखा कोझिकोड़े कैलीकट जाना है। पहली बार मैं लोकल ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था, आज तक कभी लोकल ट्रेन में ट्रैवल नहीं किया था। माई ट्रेन जर्नी स्टार्टेड, मुझे 2 पैकेट लेके दिए और एक पानी का बॉटल, और पॉकेट में 5,000 रुपीज़ थे, जो थोड़ा नर्वस फीलिंग था कि कैसे कर पाऊँगा मैं, क्योंकि कुछ जगह पे हो सकता था कि शायद मेरे को कोई ओनर पैसे ना दे। फिर मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग 17 अगस्त को मैं पहुँचा 1 बजे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने रहने का मेरा एक स्टे मैंने ढूंढा, मैंने 4-5 घंटे घूमा बट कहीं मिल नहीं रहा था अच्छा, मतलब अच्छे प्राइस में नहीं मिल रहा था, पैसे थे नहीं। तो मेरा टारगेट था कि मैं 150 से 200 रुपीज़ की पर नाइट वाली रूम ढूंढूंगा तो आई कैन सस्टेन, बाकी तो फिर काम करूंगा तो मेरे को डेली वेज पे पैसा मिलेगा। फिर उधर AC डॉमेट्री करके नाम था और उधर मुझे मिल गया, तो उधर 2 ऑप्शन थे, अगर आपको AC चाहिए तो 300 दो, नॉन AC चाहिए तो 200 दो था। तो मैंने 200 रुपये में मैंने रहना वो कर लिया मेरा। उधर तो कैसे भी लोग आते रहते हैं, तो रात को 3 बजे एक अल्कोहलिक पर्सन आया होगा, तो 3 बजे वो मुझे बुला रहा था, वो कोई प्रॉब्लम में होगा या कुछ तो होगा, तो मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। 3 बजे तो ऑफकोर्स मैं सो रहा होता, तो उसने मुझे डायरेक्टली फेस पर किक किया, तो मैं थोड़ा डर गया कि क्या हो गया। मेरा घर की सबकी याद आ गई, मेरे को इतना मैं डर गया था कि मेरे को रोना भी नहीं आया। और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो मुझे सॉरी बोलता है, मैंने बोला अभी क्या बात जाने दे। मैं 7 से 8 घंटे घूमा हूँ जॉब के लिए, मुझे कहीं जॉब नहीं मिल रही थी। लाइफ में मैंने कभी भी रिजेक्शन फेस नहीं किया था। अभी घर पे क्या है कि सब सुविधा है, पानी बोलता हूँ तो 3 लोग लेके आ जाते हैं, सब सुविधा थी। उधर जो भी था मैं खुद था, अकेला था, मुझे खुद को मेहनत करना था। रिजेक्ट करते थे ना तो अच्छा नहीं लगता था कि नहीं जॉब नहीं है। और प्रॉब्लम ये हुआ कि उधर ओनम था, तो ऑलरेडी प्री रिक्रूटमेंट हो गया था, तो और एक मुश्किल आ गई। फिर घूमते घूमते मुझे एक अंकल मिले, वो छोटा ड्राई फ्रूट शॉप चला रहे थे, उन्होंने बोला कि हमारे जो मेन सप्लायर है वहाँ पे तेरे को काम मिल जाएगा। तो मैं चल के गया और उधर मुझे मैंने बोला कि मेरा परिस्थिति बहुत ख़राब है, जॉब ढूंढने आया हूँ। तो वो बोले तू भाई गुजरात से भाग भाग के इधर नहीं आया ना, बोला कि नेक्स्ट मॉर्निंग 9 बजे यहाँ पे पहुँच जाना। तो मैं पहुँच गया और शॉप चालू हुई 10 बजे। उधर LSAP करके ब्रांड था जिधर मैं काम करता था, और उधर मेरा रोल क्या था कि एज अ क्लीनर एंड सेल्समैन। वहाँ पे सब कुछ इम्पोर्टेड स्टफ रखते थे। 2 घंटे मैंने काम किया तो सेठ को बहुत अच्छा लगा मेरा काम, तो बोले कि तेरा प्रेजेंटेशन, तेरा स्पीकिंग बहुत अच्छा है, तो तू मॉल में जा, क्योंकि मलयाली तो आता नहीं था, तो लोकल मार्केट में काम करके कोई फ़ायदा नहीं था। सेठ बोले तू मॉल में जा, तेरे को इंग्लिश अच्छा आता है। उधर क्या था कि ड्राई फ्रूट्स लेके कस्टमर आए तो उनको देना था और बाकी सब सेलिंग करना था, ये मेरी जॉब थी।
मॉर्निंग में आके पहले सब कुछ क्लीन करना था, पोछा मारना था, फ्लोर साफ करना था, ग्लास साफ करने थे, ये सब साफ करना था, और फिर हाथ बाथ धो के आपको काम पे लग जाना था, और 12 घंटे की जॉब थी। उधर खाना क्या था मेरा, तो सुबह 10 रुपए का पार्ले जी या गुड्डे खाता था, फुटपाथ पे बैठ के साइड पे खा लेता था। दोपहर में 30 रुपए के डोसा, 10 रुपए का एक मिलता था तो 30 रुपए के डोसा तीन खाता था, 5 रुपए का चटनी, 5 रुपए का सांभर, ये मेरा लंच था। और डिनर में क्या होता था कि 10:30-11 बज जाते थे, तो कभी डिनर मिलता था कभी नहीं मिलता था, ऐसे भूखे सो जाते थे। जिंदगी में कभी भूखा नहीं सोया था मैं, कुछ भी हो जाए भूखा तो नहीं सोया था मैं। तो डेली मुझे 500 रुपीस डेली वेज पे मिलता था। फर्स्ट डे जब मुझे मेरी पहली तनख्वाह मिली, मेरी पहली सैलरी मिली, तो मेरे आँख में आंसू थे कि वाह ये मेरी फर्स्ट कमाई है। 500 की नोटों तो बहुत हाथ में पकड़ी थी, बट पहली बार जब खुद की कमाई की, जब मैंने 500 की नोट पकड़ी ना, तब मेरे आँख में आंसू थे कि वाह। फिर कैसे भी करके वो एक वीक निकल गया और अच्छे से निकला, लोग भी अच्छे थे, और जॉब छोड़ा मैंने। मैं सब प्रीमियम इंग्लिश कस्टमर उनके संभालता था, तो बोले कि तू जॉब क्यों छोड़ रहा है? तो मैंने बोला कि सर यहाँ पे एक गैराज है ना, उधर मुझे काम मिल रहा है सर, और मुझे यहाँ से आप 15,000 दे रहे हो ना पर मंथ का, तो ये मुझे वो ज़्यादा सैलरी ऑफर कर रहा है सर, तो मुझे जाना पड़ेगा सर, क्योंकि सर आप बुरा मत मानो, मैं पैसे का लालची नहीं हूँ सर, बट मेरा फैमिली सिचुएशन अभी ख़राब है और मुझे मेरे घर पे पैसे भेजने, इसलिए मुझे छोड़ना पड़ेगा। तो वो भी इमोशनल हो गए, बोले कोई बात नहीं तू जा, तेरे को कोई भी ज़रूरत पड़े ना तो तू मुझे बोलना। तो उधर एक बन क्लब करके कैफे, उधर मैंने इंटरव्यू दिया, बोले कि आपको एक्सपीरियंस है, तो मैंने बोला हाँ, ऐसे बोल दिया कि मैं गाँव में उधर मैं कैफ़े में काम किया है 1 साल, बट एक्चुअली क्या था, हमारे घर में कैसा है कि कोई भी बड़े मिनिस्टर आए, कोई भी बड़े गेस्ट आए, छोटे गेस्ट आए, बड़े गेस्ट आए, हमारे दादाजी का रूल है कि घर का जो बच्चा है, मैं हूँ या मेरे भाई है, हम लोग ही फूड सर्व करेंगे, कोई और फूड सर्व नहीं करेगा। तो दादाजी ने पूरा सिखाया हुआ था हमको कि कैसे सर्व करना है, तो मुझे सब कुछ आता था, वेटर का काम कुछ मेरे लिए नया नहीं था। काम पे लग गया, उधर भी मेरा सैलरी पर डे 500 रुपये डिसाइड हुआ, मंथली 15,000। काम बहुत अच्छा चल रहा था, और ओनम था तो दो एम्प्लॉयज थे जो वेटर का काम कर रहे थे, मैं और एक लड़की थी, तो वो ओनम की हॉलीडेज पे चली गई, तो 10 टेबल थे, तो पूरे 10 मेरे को संभालने आ गए। तो फोर्थ डे था, जो बन क्लब कैफे उनके ओनर कटार से आए थे, और वो मुझे नोटिस कर रहे थे, अभी मुझे तो पता नहीं था मैं नया एम्प्लॉय हूँ, तो उन्होंने देखा कि मैं स्पीड से सबको सर्विस कर रहा हूँ, कस्टमर 3 चीज़ ऑर्डर कर रहा है तो मैं 5 चीज़ उनको सेल ऑफ कर रहा हूँ अलग से, तो ही वॉज हैप्पी सीइंग टू दिस। तो द वेरी नेक्स्ट डे 5th डे पे वो मेरे सामने आए, और मुझे नहीं पता था वो ओनर है, बोलते हैं मुझे कि मुझे बहुत भूख लगा है, तो मुझे कुछ तू सजेस्ट कर। तो मैंने बोला सर यहाँ पे तो सब बेस्ट खाना है, आपको क्या खाना है पर्टिकुलरली? तो मुझे बोले कि डेजर्ट खाना है, तो मैंने बोला सर परफेक्ट सर, तो डेजर्ट के लिए हमारे 2 बेस्ट सेलर्स हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो एक बॉम्बोलिनी था और एक लावा बन था, तो पूरे वो कैलीकट में यहाँ पे ही बनता था। तो बोले कि पर दोनों में से मुझे एक ही खाना है, तो मैंने बोला नहीं सर, आप एक खाओगे ना सर तो आप दूसरा चूक जाओगे सर, अभी ऐसा मत करो सर, आप दोनों ले लो। तो बोले कि वाह, ऐसा बोला कि ओके गुड लक, आई एम द ओनर, ऐसे करके वो ऊपर चले गए। फिर मैनेजर को फ़ोन आता है आधे घंटे बाद कि वो ध्रुव पटेल नाम का नया लड़का है ना, उसको भेज कॉफ़ी लेके ऊपर। तो मेरे को लगा अभी तो पक्का जॉब से निकाल ही देंगे, गया मैं ख़त्म। तो ऊपर गया, वो मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरे हाथ में ट्रे था, और उनको मैंने कॉफ़ी दिया, तो उन्होंने बोला बैठो, उन्होंने मेरे को सामने बिठाया और मेरे को हैंडशेक किया। मुझे पहले तो पूछा तेरा सैलरी क्या है, मैंने बोला 15,000, बोले कल से तेरा सैलरी 18,000 है और अभी तो असिस्टेंट मैनेजर। तो 4 दिन में तो मेरे को असिस्टेंट मैनेजर बना दिया मेरा काम देख के। मेरे को बोले कि नेक्स्ट मंथ मैं तुझे भेजूंगा ट्राइडेंट और ललित में मुंबई 5-स्टार होटल में प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए, अगर तू उसमें पास हो गया तो मैं तुझे हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना दूंगा। ये बात पूरा मैनेजर ने किधर तो कहीं सुन लिया होगा, तो असिस्टेंट मैनेजर था वो। मेरे को डाल दिया नाइट शिफ्ट में, 5 से रात को 2 बजे तक मेरा नाइट ड्यूटी डाल दिया। तो अभी मेरे पास ना बाइक था ना गाड़ी था, और अनजान शहर में रात को रोड पे चलना मतलब कोई नहीं चल रहा है, दो तीन लेन के बड़े रोड है और आप अकेले चल के जा रहे हो, फिर भी जाता था और काम किया, और मैंने मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस दिया जितना भी था। तो ख़त्म कैसे किया सेकेंड जॉब, मैंने बोल दिया कि सर मेरे मम्मी को इमरजेंसी आ गई है, मेरे भाई ने मुझे टिकट भेजा है, मुझे कल ही वापस अपने गांव गुजरात जाना है। तो वो सब भी इमोशनल हो गए, भाई तू जा, मेरे को मेरा सैलरी दे दिया। उधर मुझे पर डेली वेज पे पैसा नहीं मिलता था,
तो मेरे को 3500 सेवन डेज काम किया था तो मुझे पैसे दे दिए इतने। और दादाजी का एक रूल था कि ये 5-6 वीक है ना, उसमें से एक वीक आपको बिजनेस करना है, कोई भी एनी बिजनेस यू वांट। तो मैंने बोला कि 6th वीक में मुझे बिजनेस नहीं करना है, मैं 3rd वीक में कर लेता हूँ, तो क्या थोड़ा काला हो जाऊँगा ना, तो उनके जैसा थोड़ा लगूंगा। मैंने उधर सोचा कि मैं क्या करूँ। तो उधर गोविंद दादा जी ऑलवेज बोलते हैं कि प्रॉब्लम इज प्रोग्रेस। प्रॉब्लम आएगा ना तो आप कुछ सोचोगे कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप ढूंढोगे। तो मैंने सोचा गर्मी बहुत है ना तो नींबू शरबत बेचता हूँ तो उन लोगों को अच्छा लगेगा। मैंने रूम पे नींबू शरबत बनाना चालू किया, और ऐसा भी नहीं कोई भी पानी से बनाता था, वो प्रॉपर फिल्टर हमारे जो पीजी ओनर थे उन्होंने दिया था, तो फिल्टर से ही बना के प्रॉपर रूम में बना के 2-2 लीटर की बॉटल लेके आ गया था बड़ी, और उसमें भर के और फिर दौड़ के सुपरमार्केट जाता था और दौड़ के वापस आता था आइस लेके, क्योंकि आइस तो पिघल जाएगा गर्मी में, गाड़ी तो थी नहीं तो दौड़ना पड़ता था। फिर पूरा एक वो अपना पर मेडिसिन का बॉक्स आता है थर्मोकोल का, तो उसमें बॉटल डाल के आइस डाल के लेके निकल पड़ता था। 15-20 किलो का होता था और 2 किलोमीटर तक चलना होता था। तो मैंने उधर देखा कि मैं बिजनेस करूँ तो किधर करूँ, बीच पे गया। तो बीच पे ऐसा पता चला कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का परमिशन चाहिए, और अप्लाई करते ही 12 दिन के बाद आएगा। मैं जिधर रहता था ना उससे 2 किलोमीटर दूर एक हॉस्पिटल था, कॉमट्रस्ट आई हॉस्पिटल। मैंने सोचा उसके बाहर खड़ा हो जाता हूँ, तो मैंने फिर नींबू शरबत का धंधा किया। हॉस्पिटल के बाहर फुटपाथ पे मैं नींबू शरबत बेचता था, ये मेरा जॉब था। सुबह मॉर्निंग में तो कोई पीता नहीं है, तो 11 बजे से मैं चालू करता था और 6 बजे तक बेचता था, और मेरी स्किन लिटरली जल गई थी। अभी भी थोड़ी रिकवर हुई है। 6 दिन तक मैंने बिजनेस पूरा किया और बहुत प्रॉब्लम्स आई रियली, और लोगों को पसंद भी आया। और मैंने मार्केटिंग के लिए क्या किया था, मार्केटिंग ब्रांडिंग के लिए, कि मैंने 20 जगह पे पोस्टर लगा दिए थे कि सूरत स्पेशल नींबू शरबत, क्योंकि बड़ा दुकान तो था नहीं, पर छोटा सा एक वो थर्मोकोल का बॉक्स है, स्टूल लेके बैठ जाता था ओपन टू स्काई 45-50 डिग्री में। फिर नेक्स्ट जॉब ने तो इतना मुझे ठकाया, एक दिन मैं जॉबलेस रहा। जॉबलेस रहने में इतना मेंटली टूटते हो ना कि आप अनजान शहर में हो, कोई आपका है नहीं, आप करोगे क्या। फिर एक नेक्स्ट डे मुझे एक आइसक्रीम की दुकान में काम मिल गया, अपना पता है वो कोल्ड स्टोन आइसक्रीम आता है खटखट खटखट आवाज करके बनाते हैं, तो ऐसे काम मिल गया, और वो स्कूपिंग आइसक्रीम भी था। उधर मैंने बॉल में काम किया, हुआ यूँ कि उधर निपा वायरस आ गया। अभी कोरोना कैसा है कि उसका एक हल है, उसका वैक्सीन है, निपा वायरस का कोई वैक्सीन नहीं, एक बार हो जाएगा ना तो मर जाओगे। तो मैंने भाई को बोला इमरजेंसी कि भाई ऐसा इधर सिचुएशन हुआ है, बोला कि इधर तो कुछ न्यूज़ नहीं आया, तो बोले कि तू टेंशन मत ले, कुछ है नहीं, मैं डॉक्टर को तुझे बात करके बताता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, तू बोल रहा टेंशन नहीं है, तो मैं फिर काम करने लगा अपना। मैं तो स्कूप भर रहा था आइसक्रीम के, तो अचानक फ़ोन आता है, बोला निकल। मैंने बोला कहाँ निकलूँ, तो बोलता है कि बैंगलोर निकल। मैंने बोला भाई तो बैंगलोर क्यों मेरे को बकर है, बोल रहा है अभी थोड़ा उधर रिस्क है, हम रिस्क नहीं ले सकते उधर, तो मेरे को टिकट भेज दिया, बोल रहा है कि नेक्स्ट मॉर्निंग 6 AM तेरी फ्लाइट है, तुझे बैंगलोर जाना है। तो मैंने बोला, मैं टेंशन में आ गया वापस, अरे भाई इधर सब रहने का सब सेट हो गया है, जॉब सेट है मेरा, और मुझे बैंगलोर जाना पड़ेगा यार। फिर रात को रूम पे गया ना तो मैंने सोचा कि बैंगलोर जाना तो अच्छा रहेगा, बड़ा सिटी है, आराम से जॉब मिल जाएगा, जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगी। पर वो कहाँ पता था, बड़ी सिटी की बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। मेरे पास टोटल 6000 रुपये बचे थे जिस रात भाई ने बोला कि अभी तुझे बैंगलोर जाना है। उस रात 6000 मतलब 1000 रुपये मेरे डिपॉजिट थे जो पीजी ओनर थे उसके पास, और 5000 मेरे इन हैंड मेरे रुपीस थे। तो अभी वो तो रात को 10:30-11 बजे तो सो गए थे, जॉब करके आया था तो उनसे पैसे भी नहीं ले पाया। और सुबह मॉर्निंग में 4 बजे मैं निकला, और मेरा घर से एयरपोर्ट 50 मिनट्स का मेरा जर्नी था घर से एयरपोर्ट तक। वो ड्राइवर जो टैक्सी ड्राइवर था वो बोले 1200 लूँगा, 4 बजे कोई बस सर्विस अवेलेबल नहीं थी। तो फिर मैंने उसको कैसे भी करके 1000 रुपये पर कन्विंस किया, तो 1000 रुपये में मैं एयरपोर्ट तक पहुँचा, 1000 रुपये चले गए। और उधर फिर मेरा 6 AM मॉर्निंग मेरा फ्लाइट था। बैंगलोर पहुँचते ही मैंने सोचा कि एक मॉल के आजू बाजू किधर तो काम और रहना मुझे मिल जाएगा। टैक्सी का मैंने भाव पूछा, मैंने मॉल का पूछा तो बोले कि 1800 रुपये लूँगा। मैंने बोला भाई 1800 रुपये तो पूरा खाली हो जाएगा मेरा जेब। तो फिर उधर बस सर्विस अवेलेबल था तो मैं 500 रुपये वो मेरे चले गए, तो 3500 मेरे पास बचे। रहने का ढूंढने में इतना डिफिकल्ट हुआ, मैंने बोला ना कि बड़े शहर की बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, तो पॉपुलेशन हाई, तो भी रहने का कहीं मिल नहीं रहा था। मैं वापस 7-8 घंटे घूमा कि रहने का नहीं मिल रहा था मुझे। फिर उधर एक जगह पे एक पीजी ओनर मिले और उधर मुझे रहना मिला, तो वो बोले कि मैं 5500 रुपये लूँगा पर मंथ के।
मैंने बोला सर मेरे पास पैसे ही नहीं है, अभी आप 2000 ले लो, मेरे पास जैसे पैसे आते जाएंगे मैं आपको पैसे देता जाऊंगा, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो बोले नहीं 3000 तो लूंगा ही, बाकी के तू 2500 रुपये बाद में तू मेरे को दे देना। तो मैंने बोला ठीक है, तो 3000 दे दिए, बचे कितने 500 रुपये। आप सोचो मेरी बेंगलोर जैसे बड़े शहर में मेरे पास खाली 500 रुपये थे, क्या मेंटली मैं एकदम वीक हो गया। और नेक्स्ट डे उससे भी खतरनाक हो गया, पूरे दिन जॉबलेस रहा, 10 किलोमीटर चला होऊंगा कम से कम जॉब ढूंढने के लिए, इतने गर्मी था। सब जगह पे गया, अपने गुजराती लोग के पास भी गया, मारवाड़ी लोगों के पास गया, उधर लोकल्स के पास गया, मॉल्स में गया, बट सब उधर पान कार्ड और आधार कार्ड मांगते हैं। आधार कार्ड तो मेरे पास था, पान कार्ड तो होता नहीं, वो आइडेंटिटी चेंज किए तो ध्रुव पटेल, और घर से भी पान कार्ड दिया नहीं था। फिर एक मुझे बेकरी में काम मिला, उधर एक बेक 11 करके कैफे है, बेक हाउस, और उधर मुझे जॉब मिली, वो गुजराती सेठ थे। उधर मेरा रोल क्या था कि उधर मुझे सब टेबल संभालने, उधर 7-8 टेबल थे वो सारे मैं संभालता था, और जस्ट न्यूली ओपन कैफे था तो मेहनत भी ज़्यादा थी, तो उधर मैं आके सुबह थोड़ा क्लीनिंग करता था और वेटर का मेरा काम था, वो भी जॉब छोड़ा। एक दिन मैंने सर को फ़ोन किया कि सर मेरा इमरजेंसी आ गया, वापस मैं अपने गांव जा रहा हूँ गुजरात, मेरी मम्मी वापस बीमार हो गई है। फिर मैंने लंडन कैसल करके क्लोथिंग ब्रांड है, उधर मुझे जॉब मिल गई। तो उधर मैं आप मानोगे नहीं, 3000 शर्ट मैं डेली फोल्ड करता था। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि 20-20 शर्ट कस्टमर ट्राई करते थे और आखिर में 2 ही लेते थे, बहुत डिफिकल्ट होता था, खाने का भी टाइम नहीं मिलता था। और मेरे लिए एक लर्निंग है, मैं कोई भी कपड़े की शॉप में जाऊँगा तो उधर मैं अभी मेक श्योर करूँगा कि स्मॉल साइज ही होती है, एक ट्राई कर लूँगा फिर कलर चूज कर लूँगा। मैं काम कर रहा था, मुझे पता नहीं था मेरे भाई लेने आने वाले हैं, 45 डेज में अभी 5 दिन बाकी थे, तो मेरे भाई मेरे को 40 डे पे मेरे को लेने आ गए थे, मुझे पता नहीं था मेरे भाई लेने आए। तो मैं कस्टमर का कपड़े लेके मैं बिल करवाने जा रहा था और मेरे दोनों भाई मुझे लेने आए, तो मैं तो पूरा शॉक हो गया और मैंने कपड़े छोड़ दिए और मैंने उसको चिपक लिया उनको, मैं तो मैं बहुत इमोशनल हो गया था उनको देख के, बहुत हैप्पी हो गया था। और फिर ऐसे मेरी जर्नी ख़त्म होती है फाइनली। बेस्ट लर्निंग की बात करूँ तो एक लाइन में तो नहीं बता सकता, बहुत सारी लर्निंग्स थी। अभी रहने की बात करूँ, कोझीकोड की बात करूँ, तो उधर मेरे पास बेड था और उधर कैसा था कि कोई ऑप्शन नहीं था, बेडशीट रिमूव नहीं कर सकता था जो गद्दा था वो, क्योंकि उधर इतना सपोर्ट नहीं था तो उस पर सो जाता था, और इतने बेड बग्स होते थे कि पूरा मेरा बैक रेड हो जाता था। फिर बेंगलोर आया तो उधर मेरे पास गद्दा ही नहीं था, उधर मेटल की सीट पे, वो मेटल की प्लेट पे मैं सोता था। मेरे बेस्ट लर्निंग्स की बात करूँ मैं, जो मुझे सीख मिली और रियली मुझे अंदर टच हुआ, वो है कि लेट से एग्जांपल हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, किसी का भी सैलरी 15000 होना ही नहीं चाहिए। कोई भी अपने आदमी का 15000 सैलरी, आप सोचो वो अपना घर कैसे चलाएगा। मैं पर डे के 500 रुपये कमाता था तो महीने का कितना हुआ, 15000 रुपये हुए, तो मुझे इतना रहने में डिफ़िकल्ट हो रहा था। तो हमारा कोई भी एम्प्लॉय है जिसका सैलरी 15000 है तो अपना घर कैसे चलाएगा, उसका वाइफ है, उसके दो तीन बच्चे होंगे, वो स्कूल जा रहे हैं। हम लोग सब इजीली पैसे खर्च कर देते हैं, कहीं बाहर दान नहीं करोगे ना तो चलेगा, पर अपने घर में जो काम कर रहे हैं उसका तो ध्यान रखो, उसका घर कैसे चल रहा है वो तो आप देखो, बेचारा 15000 में कैसे अपना घर चलाएगा। आई सो हाउ पीपल हार्ड वर्क, कैसे अपना घर चलाते हैं, हर एक दिन कैसे गुजारते हैं, किसी की बेटी बीमार है या कोई भी फाइनेंशियल इश्यू है, मैंने एक्चुअली महसूस किया कि कितने पेन से वो लोग जाते हैं और 1 रुपया उनके लिए कितना मायने करता है वो भी मैंने देखा। सो ये एक्सपीरियंस करने के बाद आई कैन से डैट मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो 30x-40x हो गया है। अभी भगवान ना करे पर फैमिली पे अगर फ्यूचर में कोई भी बैड सिचुएशन आएगी ना तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि मैं फैमिली को हेल्प कर पाऊंगा, आई कैन लिव इन दैट सिचुएशन, और फैमिली को मैं डेफिनेटली सपोर्ट कर सकता हूँ। हमारे गुजराती में बोलते हैं रुपयानी कदर, जो दादाजी ने एक्सपीरियंस का नाम दिया है। तो आज मैं 21 ईयर्स का हूँ, 21 ईयर्स में शायद मैं ऐसा हो सकता है कि मुझे 1 रुपये की कीमत शायद पहले ना हो, क्योंकि पहले तो सब कम्फर्ट जोन में जीते थे, बट ये एक्सपीरियंस करने के बाद आई एम डेफिनेटली श्योर कि आज मुझे 1 रुपये की कीमत है। एंड आई एम वेरी प्राउड एंड आई एम वेरी लकी कि मेरे दादाजी ने ये एक्सपीरियंस प्लान आउट किया है और मुझे आज रुपये की कदर करवाई।